नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने 24 घंटे में दो हत्याओं को अंजाम दे दिया है। श्रीनगर में कश्मीरी पंडित के स्टाफ की हत्या कर दी गई। अस्पताल में मोहम्मद इब्राहिम की मौत हो गई। इससे पहले आतंकियों ने श्रीनगर में पुलिस वाले को गोली मार दी। इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। नाम मोहम्मद इब्राहिम, पता श्रीनगर जम्मू कश्मीर, काम कश्मीरी पंडित की नौकरी, सजा सरेआम हत्या। श्रीनगर की सर्द और शांत शाम का एक बार फिर गोलियों की आवाज से सामना हुआ। वजह वही पुरानी थी, आतंकियों ने एक निर्दोष को निशाना बनाया। SHMS अस्पताल में आतंकियों की गोली से घायल हुए मोहम्मद इब्राहिम नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई। लेकिन इस मौत के पीछे एक खास रणनीति काम कर रही है। मोहम्मद इब्राहिम का गुनाह सिर्फ इतना सा था कि वो एक कश्मीरी पंडित डॉक्टर संदीप मावा की दुकान पर बतौर सेल्समैन काम करते थे। पिछले 24 घंटे में आतंकियों की ओर से ये दूसरा टारगेट अटैक है। इससे पहले रविवार को आतंकियों ने श्रीनगर के बटमालू एरिया में एक पुलिस वाले तौसीफ अहमद को गोली मार दी। शहीद पुलिसकर्मी तौसीफ अहमद की पत्नी साइमा खुद को संभाल नहीं पा रही। तौसीफ अहमद के दो मासूम बच्चे हैं। इन्हें इस बात की भी समझ नहीं है कि इनके पिता अब कभी घर लौट कर नहीं आएंगे। मैंने 7:14 फोन किया, मैंने बोला अब क्यों नहीं आया अंदर, बोला दुकानदार के साथ बात करो, आ रहा हूँ तो इनके लिए चिप्स ले। मैंने बोला मेरे लिए भी लाना। मैंने फोन काटा तो एक सेकंड भी नहीं हुआ, इसकी जीजे ने मुझे फोन किया, इस तौसीफ को गोली मारी है, दो गोली यहाँ पे मारी थी उसको, क्यों मारा, किस लिए, इंसाफ चाहिए। तौसीफ अहमद पहले SPO थे। इनके कामकाज को देखते हुए बाद में इन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल बनाया गया और यही वजह है कि वो आतंकियों के निशाने पर आ गए। जम्मू कश्मीर के LG दफ्तर से ट्वीट कर इस हत्या की निंदा की गई है। भरोसा दिलाया गया है कि आतंकियों और उन्हें शह देने वालों को माकूल जवाब मिलेगा। मतलब साफ है, दोनों ही वारदात में सिस्टम के साथ खड़े लोगों को शिकार बनाया गया है। तौसीफ अहमद जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल थे तो 43 साल के इब्राहिम एक कश्मीरी पंडित की दुकान पर सेल्समैन का काम करते थे। कश्मीर का बड़ा इलाका सुरक्षा एजेंसियों की ओर से हाई अलर्ट पर है। इसकी वजह भी टारगेट किलिंग के बढ़ते मामले हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले कौन हैं? पूरी दुनिया इस सवाल के जवाब से वाकिफ है। यही वजह है कि शांति की राह पर आगे बढ़ रहे कश्मीर में आए दिन हत्या जैसी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन अब आतंकियों ने अमन चैन को बहाल होने से रोकने के लिए नया हथियार चुना है। ये हथियार है टारगेट किलिंग, यानी जो कश्मीर में अमन के साथ है उसकी हत्या कर दो। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। तो कश्मीर में आतंकवादी टारगेट किलिंग के जरिए बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं। पिछले महीने आतंकियों के हमले में 2 मजदूर मारे गए, 1 जख्मी हो गया। ये सभी गैर कश्मीरी थे। उसके बाद 16 अक्टूबर को आतंकियों ने, जो प्रवासी हैं, ऐसे 3 आतंकी हमले किए उन पर, जो प्रवासी थे, वहां पर काम करने के लिए आए थे, अपने रोजगार के लिए कश्मीर में आए थे। सवाल यह है कि आखिर टारगेट किलिंग का यह सिलसिला कब रुकेगा? घाटी में गैर कश्मीरियों की टारगेट किलिंग, आतंकवादियों के निशाने पर हिंदू। सेना से हारे टारगेट किलिंग के सहारे।
ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि कश्मीर में दम तोड़ते आतंकवाद को ऑक्सीजन देने के लिए कैसी साजिश रची जा रही है। सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से घबराए आतंकवादी और पाकिस्तान में बैठे उनके आका अब टारगेट किलिंग को नया हथियार बना रहे हैं। कभी कश्मीर में रह रहे हिंदुओं और सिखों को आतंकवादियों की गोली का शिकार बनाया जाता है, तो कभी घाटी में रोजी रोटी कमाने के लिए पहुंचे गैर कश्मीरी लोगों की हत्या की जाती है। 16 अक्टूबर को आतंकवादियों ने श्रीनगर में अरविंद कुमार शाह और पुलवामा में सगीर अहमद की हत्या कर दी। अरविंद बिहार के रहने वाले थे और श्रीनगर में रेहड़ी लगाकर गुजारा करते थे। इसी तरह यूपी के रहने वाले सगीर अहमद पुलवामा में कारपेंटर का काम करते थे। अरविंद और सगीर में दो बातें कॉमन हैं। पहली ये कि दोनों गैर कश्मीरी थे, दूसरी दोनों सामान्य नागरिक और समाज के गरीब तबके से आते थे। उन पर आतंकवादी हमला होने की कोई आशंका नहीं थी, इसलिए आतंकवादियों ने उन्हें सॉफ्ट टारगेट के रूप में चुना और उनकी हत्या कर दी। इससे पहले भी आतंकवादियों ने कश्मीर में टारगेट किलिंग की थी, खास तौर पर गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया था, चाहे वो कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू हो या शिक्षक दीपक चंद और सुपिंदर कौर। ये सब के सब सिविलियन थे और इनका मजहब इस्लाम नहीं था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आतंकवादी कश्मीर में चुन चुन कर हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं? क्या 370 हटाने का बदला गैर कश्मीरियों से लिया जा रहा है? क्या ये कश्मीर में इस्लामी आतंकवाद की नई साजिश है, जिसके तहत घाटी में मौजूद गैर मुस्लिमों की टारगेट किलिंग की जा रही है? पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान कश्मीर घाटी के मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है और कातिल है। बेगुनाह लोग, मेहनत कश लोगों को निशाना बनाने की फिराक में हमेशा ये पाकिस्तान के कायर आतंकवादी रहते हैं। कश्मीर में सेना, पुलिस और दूसरे सुरक्षा बलों के जवान आतंकवाद को जड़ से मिटाने के अभियान में जुटे हैं, लेकिन आतंकवादी मौका पाकर सिविलियंस और गैर कश्मीरी लोगों की हत्या कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में बेगुनाह लोगों की हत्या करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। आतंकियों को खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। उनके परिजनों के जो आंसू बहे हैं, एक एक कतरे का हिसाब सूद सहित किया जाएगा और पूरे टेरर के इकोसिस्टम को आने वाले समय में खत्म किया जाएगा। आतंकवाद किसी एक दल नहीं बल्कि देश के सामने चुनौती है और ये लड़ाई एकजुट होकर ही जीती जा सकती है, इसलिए आतंकवाद पर सियासत बंद होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.